पल में सिया राम राम है। जय श्री अक्षर के नाम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। जय श्री राम। दोस्तों, हमने जैसे कि अगले अध्याय में पढ़ा था कि विभीषण जो है राम जी के पक्ष में मिल गए। अब उसके आगे हम देखेंगे कि समुद्र पर राम जी ने पुल कैसे बांधा, कैसे पुल बांधा और कैसे लंका के लिए प्रवेश किया गया, है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कहानी में आगे क्या क्या हुआ था। विभीषण के राम के पक्ष में मिल जाने से राम दल की शक्ति और भी बढ़ गई थी। चारों ओर उत्साह की लहर दौड़ गई। भारी मात्रा में बड़े बड़े योद्धा सेना में भर्ती होने लगे। उन्हें युद्ध की शिक्षा दी जाने लगी। युद्ध की तैयारी बड़े जोरों से चलने लगी। युद्ध में काम आने वाले अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे। पर एक बड़ी समस्या समुद्र पार करने की थी। समुद्र पार किए बिना लंका पर आक्रमण करना असंभव था। भगवान श्री राम ने समुद्र पार करने के विषय में विभीषण, लक्ष्मण व सुग्रीव आदि से विचार विमर्श किया। विभीषण ने उन्हें समुद्र की पूजा करने की सलाह दी। श्री रामचंद्र जी तीनों दिन तक सरिताओं के स्वामी समुद्र की उपासना करते रहे। राम जी के यथोचित पूजा व सत्कार के बाद भी सागर उनके सामने प्रकट नहीं हुआ। इतना पूजा करने के बाद भी समुद्र देव जो है प्रकट नहीं हो रहे थे। भगवान श्री राम ने चौथे दिन लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तीन दिन की कठोर उपासना के बाद भी अहंकारी समुद्र प्रकट नहीं हुआ। सज्जन पुरुषों के भूषण शांति, क्षमा आदि सद्गुणों का गुणहीनों पर प्रयोग करने से वे गुणवान पुरुष को असमर्थ समझ लेते हैं। तुम शीघ्र मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अपने बाणों द्वारा समुद्र को सुखाकर उसका घमंड चूर कर दूंगा। ऐसा कहकर श्री राम ने एक अत्यंत भयंकर बाण का संधान किया। समुद्र में अग्नि की ज्वालाएं उठने लगी। उसके भीतर रहने वाले जीव जंतुओं को जलते देखकर समुद्र देव भयभीत हो गए। वह हाथ जोड़कर दीन अवस्था में प्रभु श्री राम के सामने आए। उसने कहा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें। पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि में जड़ता होती ही है, ये सृष्टि के लिए आवश्यक भी है। सूख जाने पर मेरी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। आप अपनी सेवा में रहने वाले नल और नील के सहयोग से मेरे ऊपर पुल का निर्माण करें। इससे आप सेना सहित लंका पहुंच जाएंगे। फिर जाकर श्री राम भगवान ने उसे अभय दान दिया। सुग्रीव के सेना में नल और नील नामक दो कुशल इंजीनियर थे। उन्होंने यह समस्या हल कर दी। वे वैज्ञानिक तो थे ही, उन्होंने पत्थरों को इस प्रकार बनाया कि वे समुद्र जल में तैरने लगे। ऐसे ही तैरने वाले पत्थरों के सहारे पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। सेना के हजारों सैनिक मिट्टी कंकड़ पत्थर लाकर समुद्र के किनारे जमा करने लगे। राम वानर दल का उत्साह देखकर अत्यंत पुलकित हुए। वानरों के छोटे छोटे बच्चे भी उत्साह पूर्वक कार्य कर रहे थे। अचानक राम ने देखा कि एक छोटी गिलहरी भी बार बार अपने शरीर में मिट्टी लगाती है, फिर अपने शरीर को समुद्र में धो रही है। राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, तब से गिलहरी की पीठ पर राम की उंगलियों के चिन्ह बन गए हैं। राम ने गिलहरी का उदाहरण देकर सबको समझाया, संगठन में ही शक्ति है।
सब छोटे छोटे प्राणी भी मिलजुल कर कार्य करें तो समुद्र पर भी फूल बांधा जा सकता है। फूल बन जाने के बाद राम ने सागर तट पर शंकर जी का एक विशाल मंदिर बनवाया। उसका नाम रखा गया सेतु बंध रामेश्वर। सेतु माने पुल, सेतु का मतलब है पुल, ठीक है बच्चों? बंध माने बांधने वाले शंकर भगवान की कृपा से बना पुल। इस प्रकार नाम पड़ा सेतु बंध रामेश्वर पुल, है ना? शंकर जी की रावण पर विशेष कृपा थी, पर राम जी ने उनकी पूजा करके उनको भी अपने पक्ष में कर लिया था। तो बच्चों, हमने देखा कि इस कहानी में कैसे राम जी ने समुद्र पे पुल बांधा और कैसे एक गिलहरी का उद्धार किया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, अभी के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, है सुफल दायिनी रामायण सुख धामी, है सुफल दायिनी रामायण सुख धामी। अद्भुत है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।